हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वेल्डर की प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के बारे में जानेंगे कि एक वेल्डर को वेल्डिंग से पहले कौन कौन सी पोशाक पहननी पड़ती है। तो दोस्तों देखते हैं कि वेल्डर को पोशाक पहनने से पहले उसको अपना बेसिक रिग यानी कि बेसिक ड्रेस पहनना चाहिए, जो कि पैंट शर्ट या ओवरऑल हो सकता है, और यह ड्रेस कॉटन का बना हुआ होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही अब देखते हैं कि वेल्डर के लिए स्पेशल जो क्लोथिंग है वो क्या नाम है उसके। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये है वेल्डिंग हेलमेट, सेंसिटिव आर्क वेल्डिंग हेलमेट है दोस्तों। वेल्डिंग से पहले ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जिसको कि वेल्डिंग के समय धारण करना होता है। उसके साथ ही नीचे देखेंगे दोस्तों तो ये सफ़ेद कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एप्रन। इसके बाद हाथों में आप देख सकते हैं ये है हैंड स्लीव, और इसके नीचे हैंड स्लीव के नीचे जो फिंगर्स में पहना होता है दोस्तों उसको बोलते हैं ग्लव्स। ये सभी क्लोथिंग लेदर के बने होते हैं दोस्तों। इसके साथ ही देखते हैं हम लोग पैरों में जो वेल्डर ने धारण कर रखी है उसको बोलते हैं लेग गार्ड। ये दोस्तों लेग गार्ड है, और लेग गार्ड के बाद ये शूज, लेदर के शूज हैं दोस्तों, और कॉटन के सॉक्स भी इसको धारण करना पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये फुल रिगअप में वेल्डर कैसे दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर जैसा कि तैयार है, अब हम वेल्डिंग देखते हैं कैसे में डब्लू वेल्डिंग के लिए कौन कौन से टूल्स और क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के बारे में देखे थे कि वेल्डर को क्या क्या पोशाक धारण करनी होती है, तो वेल्डिंग से पहले फ्रेंड्स ये भी जो आपको औजार दिखाई दे रहे हैं उसको भी हमें एक साथ तैयार करके रख लेना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो मेरे हाथ में है ये चीपिंग हैमर है, जो कि वेल्डिंग के टाइम या वेल्डिंग के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये जो आप देख रहे हो ये है टोंग है फ्रेंड्स। इसकी मदद से हम जो वेल्डिंग करने के बाद जो जॉब गर्म हो जाता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसी के साथ जो आप रेड कलर का देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सी क्लैंप है, इसकी मदद से जॉब को किसी भी स्थान पर टेबल पर इसको कस के टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि वेल्डिंग के दौरान जॉब हिले नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है वायर ब्रश, वेल्डिंग के बाद स्लैग को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे कि ये मैजिक टेप है, जॉब को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं सेटिंग करने के लिए। और जो ये है ये ट्राई स्क्वायर है फ्रेंड्स, इसकी मदद से हम अगर एंगल सेट करना हो जॉब का तो इसके द्वारा हम सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो वेल्डर अभी तैयार है वेल्डिंग करने के लिए। तो सबसे पहले वेल्डर जो कर रहा है वो है बट जॉइंट बनाना है। तो बट जॉइंट बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये टैक वेल्डिंग हो गई है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी मशीन यूज़ कर रहा है और इसका कनेक्शन कैसा है। तो फ्रेंड्स ये डीसी इन्वर्टर बेस्ड आर्क वेल्डिंग मशीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं आर्क 400K इन्वर्टर डीसी वेल्डर इस मशीन का नाम है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं करंट का जो डिस्प्ले है उसमें 133 दिखा रहा है फ्रेंड्स। ये वेल्डर 3.15 mm का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा है वेल्डिंग के लिए, इसलिए जो करंट का रेंज होता है इसमें 100 से 135 या 140 तक वेल्डर की सुविधा अनुसार हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मशीन के साथ दो कनेक्शन, दो टर्मिनल निकले हुए हैं, जो प्लस टर्मिनल आप देख सकते हैं उसके साथ में वेल्डर का इलेक्ट्रोड होल्डर कनेक्ट है, और जो माइनस वाला आप देख सकते हैं जिसमें कि क्लैंप का फिगर बना हुआ है, इसके साथ ये क्लैंप अटैच है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि वेल्डर कैसे बट जॉइंट बनाता है। ये वेल्डिंग की अच्छा निशानी होता है कि जो स्लैग होता है वो अपने आप ही वेल्डिंग बीट से अलग हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया सी बीट आपको दिखाई दे रही होगी, क्लियर है। बीट की हाइट और बीट भी लगभग काफ़ी हद तक ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि SMAW यानी कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या स्टिक वेल्डिंग से वेल्डिंग कैसे करते हैं और इसके लिए कौन कौन से टूल्स और वेल्डर की प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।